चलिए बच्चों, तो अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। यहाँ पे अपन जो एनिमल के बारे में पढ़े थे, इस बार में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, आसान है, आसानी से खत्म हो जाएगा, पता भी चलेगा। सबसे पहले तो क्या है भाई, तो ये चीज आपको हम पहले बता चुके हैं कि हमारा लैंड कम हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, हमको किसी भी तरीके से अपना फसल बढ़ाना था और कम जमीन से ज्यादा फसल उगाना था, यानी एक पर यूनिट ऑफ लैंड से हमारा प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाना था। तभी अचानक से इस भूखे मरते देश के सामने आए बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उस वक्त के टाइम बहुत ज्यादा भूख मरी था, बहुत ज्यादा लोग भूख से मर रहे थे, खाना नहीं था। तो एम एस स्वामीनाथन ने बोला कि भाई साहब, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ज्यादा खाद देने से कुछ नहीं होगा। अब हम गधा को सुबह दोपहर शाम यहाँ कोचिंग में पढ़ाए, तो गधा इंसान थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो आपका प्लांट का वैरायटी ही वैसा है, आप कितना भी खाद दे लो, पानी दे लो, केयर करो, नहीं बचेगा, नहीं करेगा उत्तर ग्रो। आपको चाहिए एक नया सुपीरियर वैरायटी। लेकिन उस समय तक जेनेटिक इंजीनियरिंग का उतना कंसेप्ट नहीं था, तो वहां पे सुपीरियर वैरायटी बनाना यानी मेजर तरीका जो था, ऐसा नहीं था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग था ही नहीं, लेकिन मेजर तरीका जो था वो ये था कि आप दो सुपीरियर वैरायटीज को क्रॉस करते हैं। तो उन्होंने क्या कैसे करा था वो इधर देखेंगे। पहले इन्होंने जो चेंज लाया प्लांट ब्रीडिंग में, उसको अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस रेवोल्यूशन के नाम से? और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को अपन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने क्या करा था, नए ब्रीडिंग टेक्निक से हाई यील्डिंग, ज्यादा फसल देने वाला, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ व्हीट, राइस और मेज, ये सब का वाला है। ठीक है, एक तो ज्यादा फसल दे और दूसरा कि बीमार भी कम पड़े। प्लांट ब्रीडिंग था क्या? प्लांट ब्रीडिंग में सिंपल था, अपन पर्पसफुली किसी खास एम से चेंज कर रहे थे किसी प्लांट के वैरायटी में, ताकि हमारा डिजायर्ड प्लांट टाइप बन सके, जो कि उस नए कंडीशन में ज्यादा अच्छे से सूट हो और ज्यादा फसल दे और ज्यादा बीमारी से रेसिस्टेंट। चलेगा? आज के समय में हमारा जितना भी फूड क्रॉप है, वो सब का सब डोमेस्टिकेटेड वैरायटी बना है। स्टार्टिंग में बहुत सारे जंगली वैरायटी थे, हमने उसमें चूज करना शुरू करा। जैसे तुम अगर कैबेज, टेंथ में इवोल्यूशन में पढ़ोगे, कैबेज में ब्रोकली, सुने थे ना, देखा था इमेज, ब्रोकली कभी खाया? अभी भी मिलता है ब्रोकली, वो गोभी एक्चुअली कितना कसंग लगता है, जंगली गोभी। ये अलग बात है कि बाद में पता चला कि उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुमको कोई तरफ गोभी दे और एक तरफ ब्रोकली दे, तुम क्या खाना पसंद करोगे? गोभी। तो हमने क्या करा, उस वाइल्ड वैरायटी से जो थोड़ा कम कड़वा था, उसको ग्रो करते 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 फैल गया गोभी और पत्ता गोभी सब पे। तो हमने डोमेस्टिकेटेड वैरायटी को प्रमोट करा, वही चीज। तो आज तक जितना भी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग हो रहा था, उसमें सिंपल यही कर रहे थे कि प्योर लाइन को हाइब्रिडाइज कर रहे थे, आर्टिफिशियल सेलेक्शन से चूज कर रहे थे और डिजायरेबल ट्रेड के प्लांट को ग्रो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बाद में अब के समय में बहुत सारे जेनेटिक्स में एडवांसमेंट हो चुके हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम एक वैरायटी बना रहे थे। मेरा भी काम क्या था, स्ट्रेस रेसिस्टेंट चिकपी बनाना। स्ट्रेस रेसिस्टेंट चिकपी यानी एक ऐसा चना का पेड़ तैयार कर रहे थे जो ना तो बाढ़ से खराब हो, ना तो ज्यादा गर्मी से खराब हो, ना ज्यादा ठंडा से खराब हो, मतलब सबसे रेसिस्टेंट। समझ रहे बात, मेरा यही काम था। हम उसका जीन खोजे, उसमें ओवर एक्सप्रेस करा रहे थे कि जीन को ज्यादा एक्सप्रेस करा दें तो ज्यादा झेल पाएगा, है ना। तो मेरा भी यही काम था, ये भी यही कर रहे थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें अगर एक टिश्यू बना उससे पूरा पूरा प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ लैब में हो रहा था, ये अलग बात है हम नहीं किए थे, बट होता है। प्लांट ब्रीडिंग ये हम मतलब सिर्फ अपने कॉलेज टाइम में किए, प्रोफेशनली नहीं किया टिश्यू कल्चर, लेकिन टिश्यू कल्चर बहुत अच्छा टेक्निक है, लेकिन बहुत रिस्क है। इसका मीडियम इतना न्यूट्रेटिव होता है ना कि हर बार कोई ना कोई फंगस आके उसको कंटामिनेट कर देता है, बहुत न्यूट्रेटिव होता है इसका मीडियम। टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग
और ये सब का सब मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल से हो रहा था, जो अपन अभी पढ़े थे ना बायोटेक्नोलॉजी में, यहां पे वही यूज कर रहे हैं। कैसे करता ये काम, तुम इसको स्टेप बाय स्टेप अगर बात करोगे, सबसे पहले जो भी था सिस्टमेटिक में, सबसे पहले आपने क्या करा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, अलग अलग तरह के जीन्स को ढूंढा कि अच्छा उस प्लांट में वो जीन है, उस प्लांट में वो जीन, उस प्लांट में वो जीन। जैसे अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे बायोटेक में, आम के पेड़ वाला, एक आम जो बहुत मीठा, बहुत ज्यादा फल लगने वाला पेड़ और बड़ा बड़ा फल लगने वाला पेड़। हो सकता है ये तीनों जीन हमको तीन पेड़ में मिले, एक पेड़ हो जिसमें आम बहुत मीठा हो, एक पेड़ हो जिसमें आम बहुत ज्यादा लगता हो, और एक पेड़ जिसमें आम बहुत बड़ा बड़ा हो। तो ये तीन जीन तीन पेड़ में मिला, पहले तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना भाई, इस पेड़ में ये जीन है, इस पेड़ में ये जीन है, इस पेड़ में ये जीन है, तब ना हम चूज करेंगे नहीं हमको ये तीनों चाहिए। तो हम बायोटेक यूज किए, तीनों का जीन कट किया, तीनों को मिला के कर दिए, यही करेंगे। तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा को हम पेरेंट बनाए, ठीक है, इवैल्यूएशन। तीसरा स्टेप, आप उसको हाइब्रिडाइज करते हो। अगर मान लो मेरे पास बायोटेक नहीं होता और हमको वही काम करना था आम का पेड़ वाला, तो हम क्या करते, तीन पेड़ था ना, तीन पेड़ का बात होता अभी, इसमें फ्रूट का नंबर ज्यादा, इस पेड़ में फ्रूट का साइज ज्यादा, और इस पेड़ में फ्रूट का टेस्ट ज्यादा बेहतर। मेरे पास बायोटेक नहीं है कि तीनों का जीन काट लिया, तो हम क्या करेंगे, हम एक और चीज मेरे पास है वो ये है ना, हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे मेल प्लांट, इसको बनाएंगे फीमेल प्लांट, और आपस में ब्रीड करा देंगे। चांसेस है ना कि जो बच्चा बने, जो बीज बने, उसमें हो सकता है इसका कैरेक्टर आ जाए, ज्यादा फल और ज्यादा बड़ा फल हो सकता है ना। तो मान लो 10 बीज हुआ, 10 में से कोई एक पेड़ ऐसा था जिसमें ये दोनों कैरेक्टर था, ठीक, फिर इसको बना दिया मेल और इसको बना दिया फीमेल, फिर से इसको क्रॉस कराया, फिर से चांस बनेगा, बनेगा ना चांस कि कोई एक ऐसा पेड़ बने जिसमें ज्यादा फल, ज्यादा बड़ा फल और ज्यादा टेस्टी फल आए। तो जब हम हमारे पास बायोटेक नहीं था, तो हम ब्रीडिंग से तो ये कर सकते हैं, वही चीज यहां लिखा है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट। आपने जिसको जिसको पेरेंट सिलेक्ट करा, हम सबको क्रॉस हाइब्रिडाइज कर रहे हो, ताकि उनका कैरेक्टर आपस में मिक्स हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो बच्चा आया, मान लो जैसा अभी हम इसी एग्जाम्पल का बात किए थे, वापस आने का ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तीन पेड़, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, हम इसको क्रॉस करके एक बच्चा बनाए ऐसा। अब बात यह है मेरा कि जरूरी थोड़ा है कि पाला ही बच्चा में वो कैरेक्टर आ जाए। जैसे मान लो हम प्लान कर रहे हैं ना कि एक ऐसा मेल जो बड़ा ही हेल्दी लंबा है, और फीमेल जिसका हाइट बहुत छोटा है, क्या हो गया, वो अपना बच्चा तो प्लान नहीं करने लगे, ठीक। तो मान लो एक ऐसा कंडीशन है जहां एक मेल बहुत लंबा है और एक फीमेल बहुत छोटी है, और एक प्रॉब्लम भी है, मेल लंबा तो है लेकिन भयानक काला, ऐसा काला कि अंधेरे में हंसे तभी पता चला अच्छा दांत देख के ओके कोई है, वरना अंधेरे में गायब हो जाए इतना काला, और फीमेल का हाइट छोटा लेकिन गोरी है। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा हो जिसका हाइट लंबा हो लेकिन गोरा हो, उन दोनों का शादी करा दिया। लेकिन क्या इस बात का गारंटी है कि जो बच्चा होगा उसमें दोनों का सुपीरियर कैरेक्टर ही आए? ये भी तो हो सकता है कि बच्चा गोराई में बाप पे चला जाए और हाइट में मां में चला जाए, मतलब भयानक कलुष्टर था छोटा भी, ये भी तो हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि बाप का लंबाई ले लेकिन मां का गोराई नहीं ले, बाप का वो कालापन भी ले, लंबा और काला प्योरली बाप पे चला गया, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि छोटा हाइट है प्योर और गोरा पूरा बाप पे चला गया, और एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि बाप का हाइट और मां का गोराई ले ले, यानी लंबा और गोरा। तो इनको जब हम क्रॉस कराए थे तो बच्चा कैसा बना इसका कोई गारंटी थोड़ा ही है, ये तो कैसा भी बन सकता है, लेकिन मेरा डिजायर्ड कैरेक्टर है नहीं, ये कैसे पता करेंगे, अपन उसको टेस्ट करेंगे कौन सा वाला मेरा सुटेबल रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा वाला मेरा डिजायर्ड कैरेक्टर लेकर, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
अब खास बात क्या है कि इसको बहुत बार टेस्ट करते हैं। इंडिया के किसी भी नए वैरायटी को रिलीज करने से पहले इंडिया के हर कोने में उसको टेस्ट किया जाता है। गर्मी के मौसम में कैसा फसल हो रहा, ठंडा के मौसम में कैसा हो रहा, यहां की मिट्टी में कैसा हो रहा, वहां की मिट्टी में कैसा हो रहा, हर जगह टेस्ट किया जाता है। बहुत भयानक, कहीं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं उससे मिट्टी का फर्टिलिटी तो खत्म नहीं हो रहा, हर चीज टेस्ट किया जाता है। और जब कंफर्म हो जाते कि नहीं ये वैरायटी हर तरह से ठीक है, तो फिर उस सुपीरियर वैरायटी को भेजा जाता है टेस्टिंग एंड देन रिलीज फॉर एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। ठीक है, यस। अब बात करेंगे वीट और राइस के बारे में थोड़ा सा। जैसा कि जानते हो यहां पे जो इंडिया अपना कंट्री है, ये मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ खेती पे बेस्ड है। हमारे पूरे जीडीपी का जितना हमारा देश कमाता है 100 रुपया, 100 में से 33 रुपया तो एग्रीकल्चर से कमाते हैं। इतना ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, समझ में आ रहा होगा। अगर एग्रीकल्चर हटा दे तो 66 रुपए ही बचेगा और मिस वन थर्ड गायब। तो हमारा कंट्री बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो इसीलिए हमारे में जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस वीट ये सब शुरू करे थे mid-1960s में, तो हमारा अचानक से, उसके पहले अपन गेहूं खरीदते थे और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इतना प्रोडक्शन हुआ कि हम गेहूं बेचना शुरू कर दिए। मतलब पहले कम था तो खरीदते थे, उसके बाद क्या हुआ कि कमी को पूरा करके बराबर आए, जितना यूज कर रहे उतना उगाए और इतना एक्स्ट्रा भी उगाए कि बेच सके। ये सब का सब कैसे हो पाया? इसी हाइब्रिड प्लांट्स की वजह से। ठीक है, वीट एंड राइस के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करेंगे वीट का, या वीट राइस साथ में, पहले नहीं वीट है, चलो देखो वीट में क्या था। 1960 से 2000 के बीच में वीट का प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। तुम देख लो कितना साल चल, 40 साल पहले हम 11 मिलियन टन थे और सीधा 7 गुना। तुमको समझ में आ रहा कितना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था ये? ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कमाल था। उससे क्या हुआ? अच्छा, अगर राइस का बात करें, पहले हम लोग 35 मिलियन टन राइस उगाते थे, अब सीधा 90 पहुंच गए, देख रहे हो 39.5 प्रोडक्शन कितना बढ़ गया। तो ये सारा क्यों हो पाया? क्योंकि सेमी ड्वार्फ वैरायटी हम लोग ग्रो करना शुरू कर दिया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी का क्या मतलब? देखो, अगर ऐसा हो कि कोई एक प्लांट है तो यहां से इतना ऊंचा हो रहा है, इतना ऊंचा मान, उसका दाना तो जाहिर सी बात है ऊपर में इतने पे आएगा। तो ये जो डंटल ग्रो करा, इससे दो नुकसान है। एक तो डंटल बनने के लिए मिट्टी से न्यूट्रिएंट खींचा होगा, और दूसरा कि जब भी अंदर पानी जाएगा उसमें गिर जाएगा, है ना, दाना उतना ही दे रहा है। तो हमने क्या करा, बोला कि भाई इतना डंटल क्यों उगाना, एक काम करो डंटल वाला जीन हटा। अब मेरे पास जो है वो छोटा होता है, यहां से इतना ही उगेगा, दाना यहां से यहां तक रहेगा, तो दाना तो उतना ही है, बकायदा ज्यादा ही है, लेकिन छोटा, मान लो छोटा है तो डंटल नहीं है, डंटल मान लो बस इतना ही है, उससे क्या फायदा होगा? एक फायदा तो ये हुआ कि इतना ही बड़ा डंटल बनाया जो वेस्ट है, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट कम लिया। और मान लो अगर हवा बहा तो ऊपर से गुजर जाए, कभी देखियो हवा में पेड़ गिरता है, कभी सुने हवा ऐसा तूफान आया कि सारा घास उड़ गया, सारा घास उखड़ गया, पूरा जमीन बंजर हो गया, सुने घास नहीं उखड़ता ना, नीचे हवा ऊंचे वाले चीज को गिराएगा, नीचे वाले को थोड़ा ही गिराएगा। तो लंबा वैरायटी यानी गिरने का चांसेस ज्यादा, छोटा वैरायटी यानी गिरने का चांसेस कम। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी से दो फायदे हुआ, एक तो मिट्टी का न्यूट्रिएंट भी बचा और दूसरा अंदर पानी से भी बचा। कैसे किए थे? एक फिलीपींस के साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बॉरलॉग, सॉरी, जो कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मेज डेवलपमेंट मेक्सिको में काम कर रहे थे, उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट डेवलप करा था। ठीक है, बाद में इंडिया में भी उसी चीज को यूज करके एमएस स्वामीनाथन का टीम काम किया था, सोनालिका, कल्याण सोना, ये दो वीट का वैरायटी है, नाम सुने होंगे कभी कभी, अगर तो देखोगे गेहूं जो बिकता है या आता उस पर लिखा होता सोनालिका, देखो कभी नहीं देखे तो कभी सर्च करना सोनालिका, बहुत सारा होगा। अगर गांव में कोई खेती कर रहा है या यहाँ पर भी कोई खेती कर रहा है उससे पूछना, बहुत जानना है हाँ उससे पूछ सकते हो। गेहूं बेचने वाले को शायद कम आइडिया हो, खाली गेहूं जानता है, कौन सा उगा है थोड़ी पता। वैसे सोनालिका बहुत फेमस इंडिया में, सोनालिका, कल्याण सोना, ये सबको वीट गोल, जो हमारे यहाँ गेहूं मेजर होता है, हम ही लोग हैं गेहूं लगा देना लोग, तो हमारे यहाँ इसमें प्रोड्यूस करा गया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस जो था ना, इसको देखो IRB, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में था, मिला
और एक और जीन था टाइचिन नेटिव वन ताइवान से लिए थे, इन दोनों को मिला के बनाए थे जो कि बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी था। और नाम रखा उसने इंडिया में जो डेवलप किया उसका जया और रत्ना। क्या नाम रखे? जया और रत्ना। तो चावल की वैरायटी कई बार पूछता, चावल की वैरायटी का नाम बताइए, जया रत्ना। और वीट का, वीट की वैरायटी हो जाएगा कौन कौन, सोनालिका और कल्याण सोना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अपन आगे बात करते हैं सुगरकेन प्रोडक्शन। सुगरकेन प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो सैक्रम मारवेरी ये नाम है, ठीक है। इसका दो वैरायटी मिलता है, एक मिलता है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है, और एक तो बारबेरी है। तो होता ही है कि नॉर्थ इंडिया में अक्सर सैक्रम बारबेरी, हमारे यहाँ जो गन्ना होता है, गन्ना दो तरह का होता है, एक साउथ में सैक्रम ऑफिसिनेरम उगता है और हमारे यहाँ उगता है सैक्रम बारबेरी। हमारे यहाँ का गन्ना पतला होता है और थोड़ा कम मीठा होता है, साउथ वाला गन्ना मोटा होता है, थोड़ा मोटा मोटा होता है वो गन्ना और ज्यादा मीठा होता है। तो चीनी मिल के लिए कौन सा फायदा, कौन सा वाला गन्ना फायदेमंद है? ज्यादा मीठा और ज्यादा मोटा, यानी ज्यादा रस भी निकलेगा। तो अपन ये ट्राई किए कि एक काम करते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम जो है, जो हमारा साउथ इंडिया में उगने वाला शुगर केन है, उसको नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि वो वाला वैरायटी यहां ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, समझ रहे बात, ये प्रॉब्लम है। तो सैक्रम बारबेरी जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रहा था, उसके पास शुगर कंटेंट बहुत पुअर था, ठीक है। तो उसको कई बार हम लोग अच्छा, और जो नॉर्थ इंडिया सॉरी जो साउथ इंडिया में ग्रो कर रहा था सैक्रम बारबेरी, उसका स्टेम भी मोटा और शुगर कंटेंट भी ज्यादा, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो ही कर रहा है। तो इंडिया में हमने क्या करा, इन दोनों को क्रॉस करा दिया, हमको चाहिए दोनों का कैरेक्टर ना, तो हमने सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से आज हमारे पास एक ऐसा ब्रीड ऑफ शुगर केन है जो मोटा भी है, जिसका यील्ड भी ज्यादा है, ज्यादा शुगर भी है और नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी कर पा रहा है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा वैरायटी तैयार कर लिया है। उसके अलावा एक बात करते हैं मिलेट, ज्वार बाजरा का नाम सुनते हैं, जानवर खाता है मिलेट जो है, हम लोग हाइब्रिड मेज मक्का ज्वार बाजरा सब कुछ ग्रो करे हैं और अलग अलग एरिया में ग्रो करे हैं। कोशिश करते हैं कि सब चीज वहां उगे जहां थोड़ा पानी कम है, ठीक है, पटवन कम करना पड़े, तो कम पानी वाला जो एरिया होता है, जो फसल अक्सर बंजर लगता है, वहां पर भी अपन ज्वार बाजरा बो देते हैं, वो जानवरों के खाने के काम आता है। एक तो पानी कम पटाना, ऐसे भी जमीन बर्बर था मेरा, वहां गेहूं चावल हो नहीं पाता, तो खाली छोड़ने से बेहतर था कुछ उगा दो, तो ज्वार बाजरा अपन वहां उगा दो। जैसा कि हम आपको बताया कि हमने अब बहुत सारे तरीके से रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करा है, ठीक है, बहुत सारे तरीके से, सबसे बेहतर है अच्छा हाँ, जो नया हाइब्रिड वैरायटी हमने डेवलप करा ना, दो तरीके, दो कारणों से या दो चीजों के लिए, एक ज्यादा प्रोडक्शन मिले और दूसरा ज्यादा डिजीज रेसिस्टेंस हो, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा डिजीज रेसिस्टेंस। अब देखो वीट का एक वैरायटी है हिमगिरी, दो उधर पड़े थे, कौन कौन, कल्याण सोना और सोनालिका, तीसरा मिला हिमगिरी, ये एक बीमारी से रेसिस्टेंट था, लीफ एंड स्ट्राइक रस्ट एंड हिल रस्ट। उसी तरह ब्रासिका, ये पूसा स्वर्ण करण राई नाम है इसका, और ये वाइट रस्ट के लिए होता है सिस्टम। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर को भी पूसा सुब्रा पूसा स्नोबॉल केवन, ये बीमारी का रेसिस्टेंट था। उसी तरह काउपी चील, ये सब आपको नाम याद रखना है कि पूसा सदाबहार किसका स्पीशीज है, किसका है, पूसा कोमल किसका है, काउपी का, ठीक है। तो कौन सा हाइब्रिड वैरायटी किस चीज का है और किस बीमारी से रेसिस्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। एनसीईआरटी में ऐसा 3-4 टेबल है, आपको सबको रटना है, वैसे सवाल कम आता है, लास्ट टाइम पे पढ़ना हो गया तो ठीक है, तो छोड़ देना, सवाल कम आए, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। चल कैसे डिजीज रेसिस्टेंस तैयार की ये भी देखिए, तो लगे है नहीं। अब कोई प्लांट किसी बीमारी से कितना
कितना ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएगा, इसका मेजर डिसीजन इस बात से होता है कि उसका जीन्स कैसा है, सुपीरियर है इंफीरियर है, जीन्स बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज के समय में हम लोग कैसे करते हैं, एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वही एक अच्छा क्वालिटी होगा एक बुरा क्वालिटी होगा, दोनों को मिला के थोड़ा बीच बीच वाला क्वालिटी बना लेंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से अपन क्या करते हैं, इसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि बाप लंबा लेकिन काला, माँ छोटी लेकिन गोरी, तो ऐसा नहीं कि जो दोनों का बच्चा हुआ एकदम मिल्की व्हाइट हो जाए और बहुत लंबा हो जाए, नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक जीन उसका उतना सक्सेसफुल नहीं है, एक ही जीन सक्सेसफुल है। वही चीज यहां भी होता है, इसका एक लिमिटेशन है, इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, इसका उपाय क्या, हम लोग अलग अलग तरीके से कई बार म्यूटेशन भी कराते हैं। अगर मान लो जो जीन मेरे को चाहिए जिस क्वालिटी का, वो जीन कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है, हमको जो जीन चाहिए वो किसी प्लांट में मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं ना उसमें रेडिएशन से या अलग अलग तरीके से म्यूटेशन कराते हैं, किसी तरीके से बदल के बदले, म्यूटेशन यानी चेंज इन डीएनए, किसी भी तरीके से डीएनए में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और हमारा एम ये होता है कि मान लो 100 चेंज में से एक भी चेंज मेरे काम का हो गया तो वो जीन निकाल लेंगे, समझे बात, इसलिए म्यूटेशन भी करते हैं। कई बार हम लोग यूज करते हैं म्यूटेशन, यूए देख के, एक्सरे देख के, गामा देख के, ठीक है। और तरीका क्या है कि जैसा कि बताया कि आर्टिफिशियली भी उसको इंड्यूस करा जा सकता है केमिकल से, रेडिएशन से, और उसके बाद जो काम का है उसको सेलेक्ट करके, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मूंग बीन हो गया, एक बीमारी है येलो मोजैक वायरस और पाउडरी मिल्डो, इन दोनों के लिए इसको रेजिस्टेंस किए थे, किसको, मूंग बीन को, किसको, मूंग बीन, ठीक है। अच्छा, एक और बीमारी था भिंडी, भिंडी का बात कर रहे हैं, भिंडी पे बीमारी था येलो मोजैक वायरस के लिए, इसको भी रेजिस्टेंट किए थे, इसका जो जीन था ना वो एक वाइल्ड स्पीसीज से उठाए थे, वाइल्ड स्पीसीज यानी एक ऐसा स्पीसीज जो पहले से नेचुरली अवेलेबल था और जो नया वेराइटी बना उसका ये नाम था प्रधानी क्रांति, क्या नाम था, प्रधानी क्रांति। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इंसेक्ट्स। चलो इससे पहले एक रोक लेते हैं, कोई डाउट तो बता सकता हूं, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट में चलेंगे।